पता है कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। आज का पहली बात तो भाई ये बता दूँ, बहुत ठंड है आज 26 जनवरी वाले दिन, पता नहीं क्यों बट है, बहुत ज़्यादा ठंड है कंपैरेटिवली रोज के हिसाब से। दूसरी चीज़, आज का जो सीन है अभी नहीं बताऊँगा, पहले नीचे चलते हैं फिर बताऊँगा कि क्या सीन। तो पहले जैसे कोविड नहीं था तो रिपब्लिक डे पे मेरी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे मतलब इवेंट्स होते थे, लाइक बच्चों की पोएम वगैरह, डांसिंग, पोइट्री और छोटे बच्चों की रेसेस वगैरह। हमारे एज के ग्रुप के हिसाब के लिए टग ऑफ वॉर वगैरह होती थी, और जो हमसे बड़े हैं जैसे कपल्स हो गया या अंकल आंटी हो गए उनके लिए होती थी म्यूजिकल चेयर्स, काफ़ी स्टॉल्स होते थे खाने पीने गेम्स वगैरह। तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बट अब क्योंकि कोविड है, पेंडेमिक चल रहा है, तो उस वजह से अभी इतनी सेलिब्रेशन नहीं होगी, बट कुछ होगी, जो होगी वो सारी नीचे चल के बताता हूँ। तुम्हें भी गानों की आवाज़ इतनी दूर से नहीं आ रही होगी, नीचे चल के तुम्हें गानों की आवाज़ भी आएगी। तो अब नीचे आ चुके हैं, पीछे तुम्हें मेरी आवाज़ें आ रही होंगी। अब आज का कुछ प्रोग्राम ऐसा है कि फ्लैग होस्टिंग होगी, देन लड्डू वगैरह कुछ मिलेगा, और बच्चों के लिए है कि उनका कुछ कंपटीशन है पोएम वगैरह सुनाने का, तो जितना कैप्चर हो पाता है तो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। तो आओ चलो। ये देख लो कॉफी मिलती है ना शादियों में, गड़ू गड़ू करके अभी भी आकर। आप सभी निवासियों को, ये बच्चे हैं जो कि पोयम गाने वाले हैं। हेलो, सिक्सटी सेवन थाउजेंड लोग जख्मी हुए। आजादी के लिए सबसे पहले 21 अक्टूबर सन 1947, 21 अक्टूबर 1943 से फ्री इंडिया है तो 11 कंट्रीज ने रिकॉग्निशन भी दी। इसलिए मुझे यहां देखकर, यहां सोसाइटी की पॉपुलेशन देखकर याद आ गया। और किसी ने कहा है कि निजामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा है साकी कि जाम उसको मिलता है जिसे पीना नहीं आता। उसके बाद दसम पातशाह सेंट सोल्जर गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों बच्चे साथ डाले, दो जिंदा दीवारों में चुने गए, ये हम भूल नहीं सकते, दो लड़ाई में मारे गए। तो चारों शहजादों की जो बलिदान था, कुर्बानी था, उसको भारत कभी नहीं भूल सकता, वो आजादी के लिए। इसी तरह महाराणा प्रताप ने आजादी की जंग लड़ी, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज आजादी है, गौरव होना चाहिए आप लोगों को कि हिंदुस्तान का धर्म जो है वो सबसे प्राचीन है, बाकी के मजहब है धर्म नहीं है, धर्म इटरनल है। और मजहब की पहचान है कि मजहब में एक अल्लाह, एक भगवान, एक ईश्वर, एक गॉड होता है, एक पैगंबर होता है और एक किताब होती है। भारत में, हिंदुस्तान में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हजारों व्यूज है, उसमें ऐसा भी व्यूज है कि हर तरफ से जो आप भगवान को मानते हैं तब भी हिंदू है, नहीं मानते तब भी हिंदू, मंदिर जाते हैं तब भी हिंदू है, नहीं जाते तब भी हिंदू। गौर करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई। हिंदुओं को सिखों से अलग किया, हिंदुओं को जातियों को कुछ में बांटा। एक दफा ऐसा लगता है कि मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हाँ भूल गया, बोला भाई कॉन्वेंट स्कूल में। रोज सवेरे उठो द्वार के नौके खोलो, रोज सवेरे पूरे मन से पुस्तक बोलो, जय हिंद काम आपका प्राण लगाकर करो, अच्छा करते हुए किसी भी ताकत से न डरो, आग डाल साफ कह दो
See you.